जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने पुलिसकर्मी को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई है। गुरुवार शाम को ही आतंकियों ने शोपिया से पुलिसकर्मी जावेद अहमद डार को अगवा किया, जिसके बाद उसका शव कुलगांव से मिला। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही आतंकियों ने सेना के जवान औरंगजेब की अगवा कर हत्या कर दी थी। जावेद को उस वक्त अगवा किया गया जब वो एक मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक जावेद पिछले 5 साल से SSP शैलेंद्र कुमार के साथ ऑपरेटर के तौर पर तैनात थे। जावेद ने पुलिस महकमे को बताया था कि वो अपनी मां को दवाई देने जा रहे हैं। मौजूदा लोगों ने बताया कि जावेद दवाई खरीद रहे थे। एक कार में 3 से 4 हथियारबंद आतंकवादी आए। आतंकवादियों ने हवा में फायरिंग की और बंदूक की नोक पर जावेद को अपने साथ कार में बैठा कर ले गए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में BJP और PDP का गठबंधन टूटने के बाद अब राष्ट्रपति शासन लागू है, लेकिन बावजूद इसके आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।